वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है ट्रायंगुलर स्टेटस का बीबीएस हम कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा ऐसे ड्राइंग में हमारा ट्रायंगुलर स्टेटस दिया रहेगा। सर हमारा यहाँ पे कॉलम का साइज 400x350 mm दिया हुआ है। इसमें हम एक फिक्स किए हैं आयताकार स्टेटस यानी रेक्टेंगुलर स्टेटस, एक फिक्स किए हैं ट्रायंगुलर स्टेटस। हम ट्रायंगुलर स्टेटस का बीबीएस कैसे निकालते हैं, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ड्राइंग में ऐसे डाटा दिया रहेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ से मान लेंगे दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से सरिये के मिड पॉइंट से और मिड पॉइंट की दूरी ए है, तो इसका हम आधा करेंगे तो ए बाई टू आ जाएगा इसका भी, और इसका भी ए बाई टू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए हम यहाँ पे जनरली एच निकालेंगे, ना कि ए, एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए सबसे पहले हम ए को निकालेंगे, उसके बाद बी को निकालेंगे। एच निकालने के लिए हमारा फार्मूला पाइथागोरस फार्मूला यूज होगा, जनरली हमारा पाइथागोरस फार्मूला यूज होगा। उसके लिए हम एच का हमारा फार्मूला हो जाएगा एच निकालने के लिए अंडर रूट ए बाई टू का वर्क प्लस बी का वर्क, तब हमारा यहाँ से एच निकल जाएगा। अब हम एच निकालने के लिए पहले हम ए और बी को निकालेंगे, उसके बाद से हम एच को निकाल पाएंगे। एच निकालने के लिए यहाँ पे हम निकालेंगे ए को सबसे पहले। ए हमारा यहाँ से मिड सेंटर से इस सरिये के बीच से दूरी और इस सरिये के बीच की दूरी हमारी ए दिया हुआ है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का साइज हमारा 400 mm है, 400 माइनस 40 माइनस 40, दोनों साइड का कवर माइनस करेंगे, -4 mm -4 mm, यानी 400 हमारा यहाँ का साइज दिया है ऊपर से कॉलम का इस डायरेक्शन में, और 40 mm इस इधर का कवर माइनस करेंगे और 40 mm दूसरे साइड का कवर माइनस करेंगे। अब दोनों साइड का कवर माइनस करें, अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, दोनों साइड का कवर माइनस कर 4 mm, यहाँ घुसे अंदर जाएंगे तो हम आधा सरिये के बीच आ जाएंगे, फिर हम 4 mm यहाँ से अंदर जाएंगे तो हम आधा सरिये के बीच में आ जाएंगे। यही है, इसको हम यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 312 mm आ जाएगा। इसी तरह से हम बी को फाइंड करेंगे, बी को फाइंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 350 दिया हुआ, जो कि हमारे कॉलम के साइज से लेते हैं। अब बी निकालने के लिए चार, एक ऊपर का कवर ब्लॉक माइनस करेंगे, नीचे का कवर ब्लॉक माइनस करेंगे, 40 mm -40 mm। अब सरिये ऊपर से सरिये की हम यहाँ तक आ गए, अब बीच आएंगे तो 8 mm डायस स्टीरप्स को बनाया गया, तो 4 mm माइनस करेंगे तो हम 20 तक आ जाएंगे। 4 mm ऊपर से माइनस कर दिए और 4 mm नीचे से माइनस कर दिए, इसको हम टोटल साल करेंगे आ जाएगा 262 mm। अब हमारा मिल गया। अब इसके हमारा एच जो कि कटिंग लेंथ में हमारा यूज होगा, अब हम एच में रख देंगे। सबसे पहले एच निकालेंगे ए बाई टू, ए हमारा 312 mm बाई टू, इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग यानी स्क्वायर, प्लस बी, बी हमारा निकला है 262 mm। ये पाइथागोरस फार्मूला है जो कि हम अपने लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। अब एच इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 305 mm। एच हमारा निकल गया। अब हमारा एच भी निकल गया, अब कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ का फार्मूला होता है CL, यानी कटिंग लेंथ बराबर 2H plus A plus hook length। हुक लेंथ, कटिंग लेंथ निकालने का फार्मूला ए होता है, लेकिन हम पहले एच और ए निकालेंगे, उसके बाद ही हम कटिंग लेंथ को
निकाल पाएंगे। इसलिए पहले एच हम निकालें, ए निकालें, बी निकालें, पहले एच निकालने के लिए ए बी निकालें, उसके बाद ए बी का वैल्यू हम एच में रख दिए तो हमारा एच निकल गया। इसके बाद हम कटिंग लेंथ निकालेंगे। यहाँ पे हमारा 135 पे बेंड है, तो 135 बेंड फॉर 135 बेंड एंड हम जनरली लेते हैं 12 डाया। रेक्टेंगुलर स्टेरियस में हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद 2 गुड़े एच, एच की वैल्यू 305 प्लस ए, ए का वैल्यू यहाँ पे 312 निकाल चुके हैं, प्लस हुक लेंथ। हुक लेंथ यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर का निकाल रहे हैं, तो एक डायरेक्शन से एक मुड़ा है, दूसरे डायरेक्शन से दूसरा मुड़ा है, तो यहाँ पे 2 लेगे की स्टीर, यहाँ पे 2 लेगे की स्टीरअप हो जाएगा, 2 गुड़े 12 डाया, यानी इधर से और इधर से 2 लेगे की स्टीरअप्स है। इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे, 2 गुड़े 305 प्लस 312 प्लस 2 गुड़े 12 गुड़े 8 mm डाया की सरिया से हमारा स्टीरअप्स को बनाया जाता है, तो यहाँ पे 8। यहाँ हम टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारा कटिंग लेंथ निकल के तैयार, यहाँ पे हमारा आ गया 1114 mm, इसका कटिंग लेंथ निकल गया। जो हम रेक्टेंगुलर कॉलम का कटिंग लेंथ निकाले 1114 लंबाई mm सरिया हम कटवाएंगे अगर, तो इसको टेंगुलर आकार में जब हम मोड़ेंगे तो कॉलम में फिक्स हो जाएगा। 1114 mm कटवाएंगे, 400 गुणे 350 कॉलम के लिए हम अगर 1114 mm का लंबी हम सरिया कटवा रहे हैं तो इसको मोड़ने पे स्टील फिक्सर के द्वारा ये हमारा कॉलम में फिक्स हो जाएगा। इसी तरह हम ट्रायंगुलर स्टेरियस का कटिंग लेंथ निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।